मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे अब मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के साथ साथ जनता के द्वारा अपनी मांगों को लेकर भी सक्रियता देखी जा रही है। जहां इसी कड़ी में भैरुंडा नगर में मीणा समाज द्वारा एसटी आरक्षण के विस्तार को लेकर एसडीएम के नाम गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन दिया गया और जल्द से जल्द आरक्षण के विस्तार की भी मांग की गई। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। भैरुंडा नगर में मीणा समाज द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया गया और एसटी आरक्षण के विस्तार की मांग की गई, जहां मीणा समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि मीणा समाज आजादी के पहले से निवासरत है। आजादी के बाद राज्यों के बंटवारे में सभी राज्य में मीणा समाज को आदिवासी कोटे में रखा गया, परंतु मध्य प्रदेश में नहीं, इसीलिए हम यह मांग कर रहे हैं। देखिए, मीणा समाज मध्य प्रदेश में बहुसंख्यक समाज के रूप में जानी जाती है और मीणा समाज का जो अस्तित्व है वो राजस्थान से है। मीणा समाज से आज़ादी से पूर्व पलायन कर अलग अलग राज्यों में स्थापित हुई थी और वहाँ हम लोगों को आदिवासी कोटे का दर्जा प्राप्त है, आदिवासी हम लोगों का आरक्षण हम लोगों को प्राप्त है और लगातार हम लोग मध्य प्रदेश में भी ये मांग करते आए हैं कि हम लोगों को हमारा जो अधिकार है वो हम लोगों को मिलना चाहिए। तो हम लोग आदिवासी आरक्षण को लेकर माननीय श्री अमित शाह जी गृह मंत्रालय को के नाम से आवेदन देने हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। नहीं, इससे पहले भी मीणा समाज द्वारा लगातार आवेदन दिया गया, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री जी से मीणा समाज की बात हुई, तो क्या हुआ उसमें? ये लगातार लंबे समय से हम लोग संघर्षरत हैं। आरक्षण केवल हमारी मांग नहीं है, आरक्षण हमारा अधिकार है और हम लंबे समय से माननीय श्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करते आए हैं, लेकिन हम लोगों को अभी तक केवल और केवल आश्वासन मिले हैं और अब हम लोगों को मध्य प्रदेश सरकार पर विश्वास नहीं रहा। हम लोग अब केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मीणा समाज को अपना अधिकार देने के लिए की कृपा करें। अगर जैसे लगातार आप मांग कर रहे हैं, अगर चुनावी समय है, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो मीणा समाज क्या करेगा? यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो मैंने आपसे कहा कि बहुसंख्यक समाज मध्य प्रदेश में 40-42 लाख की तादाद में मीणा समाज है। हम हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सजग हैं और निरंतर ये संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। आने वाले समय में चुनाव हो, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मांग यदि पूरी कर रही है करते हैं, टीआरआई की रिपोर्ट यदि केंद्र सरकार को पहुंचाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, नहीं तो हम लोग आने वाले समय में बड़ा आंदोलन भी करेंगे और हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। बहरहाल इसके बाद अब आगे देखना होगा कि मीणा समाज द्वारा एसटी आरक्षण के विस्तार को लेकर खोले गए मोर्चे पर प्रशासन और सरकार आगे क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भैरुंडा।